सीकर जिले भर में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। शहर में आज समरसता रैली निकाली गई। इस अवसर पर सांसद सुमेधा नंद सरस्वती ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती आज बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान के निर्माता थे और सभी समाज और वर्गों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी जीवनी पढ़कर आज के युवा प्रेरणा ले और आगे बढ़े। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर भीमसेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेश जोया ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इस अवसर पर अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर 131 किलो का केक भी काटा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर सीकर के अंबेडकर पार्क में आज विभिन्न सभी समस्त समाजों के लोगों ने पहले समरसता रैली निकाली और उसके बाद अभी पुष्पांजलि देने के लिए पधारे। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब के सिद्धांतों पर दर्शन पर हम चलेंगे तो हमारा देश विकसित होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। आज हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि भारतीय संविधान को ही सर्वोपरि रखेंगे और बाबा साहब के पद पर चल करके भारत को सशक्त बनाएंगे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती के लिए कटिको वाली पेहू से बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। विशाल शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा थी। वहां से पहुंचकर अंबेडकर सर्किल 131 किलो का बाबा साहब का जो केक था वो सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर केक काटा और केक काट के प्रोग्राम को समाप्त किया। सभी ये सफाई के कार्यकर्ता, सभी समाज के लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को भव्य और सफल बनाया। जय भीम। राजेश कुमार जोया, भीमसेना राष्ट्रीय महासचिव। भगवान महावीर की जयंती आज जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। सीकर शहर में आज अहिंसा सर्किल से शहर के प्रमुख मार्गों से एक शोभा यात्रा निकाली गई। जैन मंदिरों में जहां आज विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए तो वहीं शोभा यात्रा में अनेक तरीके की झांकियां निकाली गई जो समाज को अलग संदेश दे रही थी। भगवान महावीर का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जन्म उत्सव समिति के पदाधिकारी विवेक पाटोदी ने जैन मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की, मंडप विधान शांति धारा के पाठ किए तो वहीं भगवान महावीर जयंती पर आज कई मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन हुए। भगवान महावीर से आज की युवा पीढ़ी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकती है। भगवान महावीर ने हमेशा सभी धर्मों के लोगों को अहिंसा का संदेश दिया। जय जिनेंद्र। मैं विवेक पाटोदी। भगवान महावीर जन कल्याणक के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम आज प्रातःकालीन शहर के सभी जैन मंदिरों में पूजा अर्चना हुई, विशेष पूजा अर्चना हुई, मंडल विधान हुए। शहर के दीवान जी के निशिया में सामूहिक शांति धारा का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात शहर के अहिंसा सर्किल पर महावीर स्तूप पर जैनवीर संगम द्वारा ध्वज फहराया गया। उसके बाद में श्री दिगंबर जैन विद्यालय सोसाइटी के द्वारा और शहर के जैन समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा आयोजित की गई जो दिगंबर जैन विद्यालय से लेकर शहर के मुख्य मार्ग तापड़िया बगीचे, अहिंसा सर्किल, जाटिया बाजार, कोतवाली रोड, बावड़ी गेट, सुभाष चौक, बजाज रोड होते हुए वापस दिगंबर जैन विद्यालय पहुंची, जहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। और इसके अलावा भी दिन भर अलग अलग संस्थानों द्वारा विशेष आयोजन। सीकर जिले में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर सर्किल पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम लोहारगढ़ सूर्य मंदिर पीठाधीश्वर जगतगुरु अवधेश आचार्य जी महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, समाजसेवी जानकी प्रसाद इंदौरिया ने संविधान निर्माता के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मनोहर लाल मुरदिया, शिव सिंह शेखावत, पूर्व पार्षद नरेश सैन, राम गोपाल कुमावत, राम सिंह त्रिलोकपुरा, महिपाल सिंह भामू, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश खोकर, बिहारी लाल बालान, विजेंद्र मोर सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता हमारे बहुत ही उनका पावन पर्व यहाँ मनाया गया और सभी ने श्रद्धांजलि उनको देकर याद किया। उन्होंने हमें शिक्षा का मार्ग बताया, शिक्षा और एकता में हमें ही जीना है और सबको एक साथ रखना है, ऐसा उन्होंने हमें याद करवाया। सबको एकजुट होकर जीवन में आगे बढ़ना है, सभी को
जाति धर्म छोड़कर एक साथ रहने का मार्ग उन्होंने हमें सिखाया था, वो हम सब अपना रहे हैं। साधु संत की कोई जाति नहीं होती, वैसे इंसान की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और वह एक इंसान हो, मनुष्य हो और हिंदू हो या अपने अपने धर्म का हो, लेकिन जाति विशेष को महत्व नहीं दे करके और स्नेह और प्यार से जीवन बिताएं और सबको समान लेके चलें, ये उन्होंने हमें अवगत कराया। उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते हुए आज हमने सीकर में अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर उनको याद किया है। सम्मान वे हमें देंगे हमेशा, ऐसा आशीर्वाद उनका हमें पूरे समाज सब प्रकार की व्यवस्थाओं पर बना रहे, यही भगवान से कामना है। यही हमारे अंबेडकर जी को याद करके सच्ची श्रद्धांजलि उनको हम दे सकते हैं। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत की धरती पर एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, उन्होंने जीवन पर्यंत सारी जो कुरूतियाँ और रूढ़िवादियों को अलग करके एक राष्ट्र एक जन की बात करते हुए इस देश को एक नई दिशा देने का सतत प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था, वो निश्चित रूप से एक ही बात कहना चाह रहे थे पूरे समाज को कि मैं हिंदू समाज में समाज सुधारक के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करना चाहता हूँ, और यही प्रयास उनका निरंतर चलता रहा। इस राष्ट्र के प्रति उनका जो चिंतन और सोच था कि एक राष्ट्र में ऐसा कोई विषय नहीं आए ताकि इस राष्ट्र को किसी दिन विघटन का अवसर आ जाए या देखना पड़े, और पूरे समय इस राष्ट्र में संविधान निर्माण से लेकर इस राष्ट्र के प्रथम कानून मंत्री बनने के बाद, और यहाँ तक कि जब उन्होंने इस राजनीति से संन्यास भी लिया, तब भी इस देश का चिंतन और देश का जो विजन था उनके मन में था, और इसी के साथ इसी को लेकर उनका जो निर्णय भी हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2022 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जुली द्वारा लक्ष्मणगढ़ के बिहारी लाल बालान पुत्र नागरमल बालान को अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पूरे राजस्थान में एक को ही दिया गया है, और पुरस्कार में नकद 1,00,000 रूपये व प्रमाण पत्र प्रतीक चिन्ह दिया गया। सभी हम समाज का हर एक तबका और हर एक वर्ग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 121वीं जयंती मना रहा है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब के जो बताए हुए मिशन और उनकी दी हुई नायाब चीजें कानून के हर पन्ने पर एक अधिक काम हो रही है। राजस्थान सरकार द्वारा विगत 2 सालों में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा कोरोना की वजह से, गाइडलाइन की वजह से और कार्यक्रम न होने की वजह से आज बिड़ला ऑडिटोरियम में राजस्थान सरकार का कार्यक्रम था, जिसमें मुझे लक्ष्मणगढ़ निवासी में बिहारी लाल बालान, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे डॉक्टर अम्बेडकर सेवा पुरस्कार से नवाजा है। आप सभी को ये मेरा पुरस्कार समर्पित है, और बाबा साहब के बताए हुए मिशन को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के मौके पर बाइक रैली निकाली गई। बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर स्टैच्यू सर्किल पर आयोजित हुआ। गुरुवार को अंबेडकर जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती में रैली निकाली गई। अमृतनाथ आश्रम से शुरू होकर रैली सदर थाना स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंची। रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा बाइक पर व अन्य डीजे की धुन पर पैदल चलते रहे। कार्यक्रम में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद वक्ताओं ने कहा कि अंबेडकर महान व्यक्तित्व थे, उनकी विचारधारा को जीवन में अपनाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वंचितों का हमेशा ख्याल रखने की कोशिश की और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कई तरह की व्यवस्था की। उन्होंने भारत का संविधान सभी के लिए बनाया है, संविधान की सबको पालना करनी चाहिए। बाइक रैली अमृतनाथ आश्रम के आगे से सुबह रवाना होकर फतेहपुर शहर के मुख्य मार्गों चूरू बस स्टैंड, बावड़ी गेट, छतरिया बस स्टैंड से होते हुए अंबेडकर स्टैच्यू सर्किल पहुंची। रैली का पुराने सिनेमा हॉल संगम चौराहे के पास पार्षद दिनेश बियाला के नेतृत्व में माला पहनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्य बस स्टैंड पर विधायक हाकम खां के नेतृत्व में स्वागत किया गया।
सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज श्री महाराणा प्रताप राजपूत छात्रावास फतेहपुर में राजपूत समाज के द्वारा बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई गई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह नारी व महेंद्र सिंह फदनपुरा ने बताया कि श्री महाराणा प्रताप राजपूत छात्रावास फतेहपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह नारी ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला व राजपूत समाज को हमेशा जो कुछ समय से दोनों समाजों के बीच में दूरी बन गई थी, दोनों समाजों को इसे खत्म करने का प्रयास करना चाहिए व दलित समाज का कोई भी कार्य हो तो उसमें राजपूत समाज को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर किसी दलित समाज की बंदौरी निकाली जाती है तो राजपूत समाज को आगे आकर उन पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे दोनों समाज एक हो सके। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह नारी, गजेंद्र सिंह ठिटावता, महेंद्र सिंह फदनपुरा, सुखदेव सिंह फतेहपुर, अरविंद सिंह खोटिया, कंचन कंवर, मोनिका कंवर, दीपिका कंवर सहित अनेक जन मौजूद रहे। रामगढ़ शेखावाटी के रहने वाले राधेश्याम शर्मा, जो विश्व में गुरुजी ठंडाई वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें विप्र फाउंडेशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार मातृभूमि रामगढ़ आगमन पर भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह व भगवान परशुराम महाराज के प्रसाद का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में रामगढ़ विप्र समाज ने हार्दिक स्वागत किया। राधेश्याम जी ने बताया कि रामगढ़ की गलियों में उनका बचपन बीता, अपने सभी स्कूली दोस्तों से वे मिले, उन्होंने किस तरह यह मुकाम हासिल किया, रामगढ़ के युवाओं को संदेश दिया कि मेहनत के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, इसी जिस तरह एक ठंडाई वाला रामगढ़ से शुरुआत कर सकता है तो आने वाली भावी पीढ़ी भी आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। जिस तरह आजकल के बच्चे अपने गांव को छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं और उनके माता पिता उनको देखने के लिए तरस रहे हैं, ऐसा ना हो, देश को राष्ट्र गुरु बनाए, ब्राह्मण समाज आगे आए, जैसी बातें उन्होंने अपनी जीवनी को देख युवाओं को कही। राधेश्याम शर्मा के स्वागत के लिए उनके स्कूली दोस्त अलग अलग शहरों से आए। वहीं रात को ढव वचंग का आयोजन किया गया। सारी व्यवस्था विप्र समाज सप्तऋषि भवन में की गई। नमस्कार दोस्तों, मैं शिपू चोटिया आज गुरुजी ठंडाई के जो विप्र मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनके साथ हूं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे आप रामगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को, क्योंकि एक रामगढ़ से उठा हुआ इंसान इतनी दूर पहुंचा है, क्या संदेश देंगे आप? मैं सभी विप्र बंधुओं को ये कहना चाहूँगा कि यदि अतीत की तरफ हम झांकें तो हम बहुत समृद्ध थे। सुबह हमारे घरों में प्रातःकाल में ही वेद की ऋचाएँ गूंजती थी। बीच का काल कैसा गया वो हम सबको मालूम है और वर्तमान में हम गाँव के लोग जो बाहर गए हैं वो निश्चित रूप से अपने पराक्रम सिंह के द्वारा उच्च स्थान को प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी यदि विप्र समाज की तरफ नज़र उठा के देखें तो हम 80% ऐसे बंधु हैं जिनको हमें कुछ झुकना पड़ेगा और उनको एक हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हम ऊपर लाएंगे, यदि हम हमारा समाज अनुष्ठान ऊपर आएगा, शिक्षा में मात्र शिक्षा नहीं संस्कार वाली शिक्षा, अभी हमारे देश में शिक्षा का कोई अभाव नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे शिक्षित हुए हैं वो विदेशों में जाके चले गए हैं पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, और उनके माँ बाप वृद्धावस्था के अंदर उन बच्चों को कोस रहे हैं कि हमने अपना पेट काट काट करके उनको पढ़ाया। मात्र शिक्षा नहीं संस्कार वाली शिक्षा, ये मेरे पिता हैं, हमारे दादा कौन थे, ऐसे पराक्रम की बातें, ऐसी करुणा की बातें हमें बाल्यकाल से अपने बच्चों को बतानी चाहिए। निश्चित रूप से तभी हमारा देश, हमारे ब्रह्म, हमारा समाज ऊपर आएगा, और यदि हमारा ब्राह्मण समाज ऊपर आएगा तो निश्चित रूप से करुणा का भाव चारों तरफ जाएगा, आशीर्वाद का भाव जाएगा, और हमारा राष्ट्र समर्थ गुरु बनने के दिशा के अंदर जा पड़ा है, ऐसा मेरा विश्वास भी है, और इसमें विप्र फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका मुझे नज़र आ रही है। उदयपुर जिले के सलुम्बर डाल में जन समुदाय ने महावीर जयंती के मौके पर विधि विधान से पूजा पाठ कर भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली, जो कि कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस जैन मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में महिला पुरुषों सहित पूरे जैन समुदाय ने हिस्सा लिया, साथ ही बुराइयों को त्याग कर उनके आदर्श पथ पर चलने का संकल्प लिया। आपको बता दें, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनकी जयंती का पावन दिन जैन धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जैन मंदिरों में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है।
महावीर चालीसा का पाठ होता है और तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले भगवान महावीर ने 30 साल की उम्र में सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर 12 वर्षों का कठोर तप किया था और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी की जयंती के इस अवसर पर सुबह से ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया, पर इन सब में अहिंसा की भावना सम्मिलित है। इसलिए जैन विद्वानों का प्रमुख उपदेश यही होता है, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही सुख शांति देने वाली है। उदयपुर जिले के सिलुंबर उपखंड सहित ग्रामीण इलाके में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां कार्यकर्ताओं ने बताया कि डीजे के साथ आज बाबा साहिब की जयंती पर रैली निकाली गई। यह रैली लकापा चौराहा से शुरू हुई, सिलुंबर उदयपुर हाईवे रोड से बाजार के मुख्य मार्गो से डीजे की धुन पर बाबा साहिब के झंडे लहराते और कार्यकर्ता थिरकते हुए चल रहे थे। यह रैली बाजार के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः लकापा बाईपास पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की तस्वीर पर फूल माला से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू जिले में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से प्रातः 7 बजे मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को एडीएम लोकेश कुमार गौतम, एसडीएम राहुल सैनी, नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक मंगलराम जाखड़, रियाजत खान, उम्मीद मेघवाल, दुल्लाराम सारण आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ जिला कलेक्टर परिसर से रवाना होते हुए खेल स्टेडियम पहुंची। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि युवाओं को पोषण के साथ ही बढ़ते नशे के प्रचलन को कम करने एवं युवाओं को खेलकूद के प्रति सकारात्मक भावना से जोड़ने का इस मैराथन दौड़ के जरिए संदेश दिया गया। भाग लेने वाले युवाओं को टी शर्ट व मेडल देकर सम्मानित किया गया। जैसा कि आपको विदित है, आज 14 मार्च को जो है अंबेडकर जयंती है, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती है और प्रतिवर्ष जो है हम 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाते हैं और समाज कल्याण विभाग प्रतिवर्ष आयोजन आयोजित करते हैं, जिसमें जो है समाज के सभी प्रमुख लोग और डीएलओ वगैरह उसमें शिरकत करते हैं। आज भी जो है अपन ने पहले जो है अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उसके बाद में बच्चों की जो है रैली अपने खेल स्टेडियम तक रखी गई है। रैली संपन्न हो जाने के बाद वहाँ विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो अंबेडकर दर्शन पर जो है बुद्धिजीवी लोग उसमें प्रवचन आए जो है संगोष्ठी में भाग लेंगे और हम सबको अंबेडकर दर्शन के बारे में अवगत कराएंगे। चूरू जिला मुख्यालय पर पंखा सर्कल कृषि मंडी के सामने स्थित आदर्श छात्रावास में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख वंदना आर्य ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष एवं युवा सांसद चूरू राहुल कसवा रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा बनवारी लाल शर्मा, हरलाल सहारण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा वासुदेव चावला, प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा सीताराम लुगरिया एवं भूरा राम भाटिया रतन नगर थे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण छात्रावास संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल आर्य ने संस्था के बारे में बताया और अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में युवा सांसद राहुल कसवा ने कहा कि बाबा साहब बहुत ही कुशाग्र और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, जिसको आज विदेशी भी सराहना करते हैं। सांसद राहुल कसवा ने छात्रावास के मुख्य द्वार से लेकर बाबा साहेब की मूर्ति तक सड़क निर्माण और चौक सांसद कोटे से करवाने की घोषणा की, साथ ही छात्रों के लिए एक भोजन कक्ष भी देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौड़ ने बाबा साहेब अंबेडकर एवं छात्रावास के संस्थापक पूर्व विधायक एवं प्रथम जिला प्रमुख स्वर्गीय रावत रामजी आत्रेय के जीवन के साथ जुड़े अपने संस्मरण सुनाए और उनकी दूरदर्शिता को बताते हुए कहा कि उस अस्पृश्यता के युग में भी उन्होंने समाज में शिक्षा के अलग जगाने हेतु उस कालखंड में भी निःशुल्क छात्रावास बनवाया। हमें आज उन महापुरुषों के सपनों को साकार करना है। कार्यक्रम में बोलते हुए राजेंद्र सिंह राठौड़ ने छात्रावास प्रांगण में छात्रों के अध्ययन हेतु एक पुस्तकालय बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रमुख वंदना आर्य ने समाज में बालिका शिक्षा हेतु जन आंदोलन चलाने और कुरीतियां मिटाने पर जोर दिया और पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन विनोद सैनी ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक बंधु उपस्थित रहे, जिनमें
महावीर सुनिया, जिला परिषद सदस्य नौरंग लाल सीलू, राजकुमार सिहा, किशन लाल बेरवा, सरपंच संतोष देवी, सरपंच गंगाधर थालोड, गिरधारी लाल स्वामी एवं पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह राजपुरोहित, इमरान खान, कानाराम कला मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल उत्तर और दक्षिण के अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजित मेघवा, जिला मंत्री विनोद सैनी, धर्मेंद्र शोराण, भरत चारण, राजीव काछवा, सुनील रंजन, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, दौलत तवर, हरिराम चोपड़ा, दीनदयाल खारड़िया, राधाकृष्ण खारड़िया, रतनगढ़ जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, गजेंद्र आर्य, बिदासर मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी, पुलासर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह छाजूसर, सुरेश आर्य, सुनील मेघवाल, राजेंद्र शर्मा, सुनील कुमार आदि अनेक कार्यकर्ता और सामाजिक बंधु मौजूद रहे। आज डॉक्टर साहब के अम्बेडकर जयंती के ऊपर आज का प्रोग्राम बच्चों के हॉस्टल्स में हुआ है और आज मैंने गर्ल्स जो हॉस्टल हमारा जो सामाजिक न्याय मंच विभाग चाहता है उनकी भी आज मैंने विजिट करी है। डॉक्टर साहब जो एक मानना था कि समाज के अंदर जिस तरह से भी एक बैलेंस हो, समाज सोसाइटी में इक्वलिटी आनी चाहिए और जिस तरह से हमारे देश के अंदर संविधान को लिखने का काम किया, उनकी एक जो वैल्यू हमारे देश में हमारे बच्चों के मनों में है उसी को प्रोत्साहन करने के लिए दिन है ये। और हमने मैंने युवाओं से भी आज यही बात करी कि इसी को हमें आगे इस सोच को आगे बढ़ाना है, इक्वलिटी कंट्री में किस तरह से भी आए समाज का उत्थान तभी होगा। साथ ही साथ में लड़कियों के हॉस्टल के अंदर आज बच्चों की डिमांड थी कि हमारे पास में कमरे कमी है, हम लाइब्रेरी को भी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आज गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो सभी जो उन गर्ल्स हॉस्टल में हमने 11 लाख रुपये की आज घोषणा करी है। साथ ही साथ हमारे मोहन जी के द्वारा बॉयज़ का जो हॉस्टल बना हुआ है ये जो एससी का हॉस्टल है इसके लिए भी एक बच्चों के मैथ्स के लिए उन्होंने पैसे की डिमांड करी, इसके लिए भी हमने आज 11 लाख रुपये की घोषणा करी है। मैंने पैसा एक छोटी चीज़ है पर एक सोच हमारी यही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो बच्चों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा योगदान बढ़ेगा और बच्चे बढ़ पाएंगे। गांव के अंदर शिक्षा आज कॉलेजेस नहीं है तो कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए अगर ऐसी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होती है तो शिक्षा का ही एक ऐसा मैं ग्रुप मानता हूँ जिसका सोसाइटी में चेंज आ सकता है। और इसी तरह आज देश भर में डॉक्टर साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथी इसी विचारधारा के साथ में देश के अंदर आगे तरक्की करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर आज कार्यक्रम कई हुए हैं। आज का दिन उनके जीवन दर्शन को याद करने का दिन है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अवसर संविधान उन्होंने हमें दिया, संवैधानिक अधिकार उन्होंने दिया। और मूल रूप से बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे ढूंढने के लिए मूर्तियों में मत ढूंढना, किताबों में ढूंढना। शिक्षा के प्रति उनका लगाव और शिक्षित समाज को करने के लिए, समतामूलक समाज को बनाने के लिए जीवन पर्यंत जिस प्रोधा ने अपने संघर्ष किया आज उन्हें नमन करने का दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ घुमड़ कर उन्हें श्रद्धांजलि देने और उन्हें याद करने आ रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती तारानगर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर युवा दल द्वारा अग्रसेन सर्किल से मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए अंबेडकर सर्किल तक डीजे के साथ सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकाली। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, अधिशासी अभियंता रामनिवास रायगढ़ व थानाधिकारी गोविंद राम विश्नोई ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ रैली का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सैदूराम बाकोलिया की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रधान संजय कसवा, जिप सदस्य विमला कालवा, तिलोका राम कसवा, सुरेश जोयापुर, विधायक डॉक्टर सीएस बैद, बीरू राम छापरवाल, राकेश जांगिर, कृष्ण कुमार सहारण, महावीर पुनिया, निर्मल प्रजापत, डॉक्टर महेश शर्मा, आरता कुमार, जमरदीन तेली, प्रकाश नरेंद्र दूत, भवनलाल कडायला सहित अन्य वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संचालन बालाराम व हिमराज ने किया। माता बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती के आयोजन पर सबसे पहले कोर्ट परिसर से बाबा साहेब की स्टेच्यू तक बाइक रैली में डीजे पर नाचते झूमते हुए रैली का आयोजन किया गया और उसके बाद बाबा साहेब की प्रतिमा के पास सभा की गई जिसमें बाबा साहेब के विचारों का आदान प्रदान किया गया ताकि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना कर सकें। जय भीम जय भारत। सीकर जिले के सदर थाना इलाके के रशीदपुरा खोरी में रेलवे लाइन पर एक युवक व नाबालिग युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रशीदपुरा स्टेशन मास्टर ने देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाए। इसके बाद दोनों की शिनाख्त करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। सदर थाना अधिकारी सुनीता बोयल ने बताया कि मृतक नेछवा थाना इलाके के बठोट गांव निवासी सुनील उम्र 18 वर्ष, पुत्र कालूराम व बबीता उम्र 15 वर्ष, पुत्री जगदीश प्रसाद है।
जिनका घर से एक ही समय निकलना सामने आया है। दोनों के शवों के पोस्टमार्टम के साथ घटना की जांच की कवायद शुरू कर दी गई है। थानाधिकारी बोयल ने बताया कि दोनों मृतक एक ही गांव बठोट के हैं, जो बीती शाम को घर से निकले थे। वापस नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच उनके शव रसीदपुरा खोरी में रेलवे लाइन पर मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद दोनों के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर मृतकों की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के बाद शव घर ले गए, जहां दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। एक लड़का और एक लड़की लगभग 6:35 बजे के लगभग ट्रेन से अपने रशीदपुरा खुड़ी के पास में कट गए। इनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह के लग रहे हैं, कौन है? अभी इनका वो जांच चल रही है, अभी पता करेंगे। इस नमस्कार, मोबाइल मिला है लेकिन उसको लॉक है, खुल नहीं रहा, उसको दिखाएंगे। हॉस्पिटल आ गए, नाम पता अभी क्लियर है नहीं। मेरा राकेश कुमार हेड कॉन्स्टेबल चुरू जिले के सरदार शहर में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के तत्वाधान में आयोजित शोभा यात्रा को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में शामिल लोग बाबा साहेब के नारे लगाते हुए चल रहे थे। ताल मैदान से शुरू हुई शोभा यात्रा में हाथों में संविधान लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध आदि की झांकियां बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यात्रा मुंटीकुई, आथुना बाजार, घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपप्रधान केसी चंद शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब ने किसानों, मजदूरों, सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखते हुए संविधान बनाया और देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब दलितों के ही नहीं, आमजन के मसीहा थे। पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल ने बाबा साहेब के जीवन के अनेक संस्मरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रसीद चायल, SDM पवन कुमार, डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा, संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष रामनिवास मीणा, विनोद कुमार मीणा, शिक्षक संघ अंबेडकर के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण चिराणिया ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। शोभा यात्रा का विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्वागत किया गया तथा पानी एवं शरबत की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर मुरलीधर सैनी, रोहिताश सोनी, जितेंद्र सिंह शेखावत, मदन ओझा, गणेश जोशी, विकास राक्सिया, भरत सोनी, गोविंद सैनी, सतीश मुंदड़ा, कुलदीप भार्गव, अशोक कसेरा, विक्रम जोशी, हरिनारायण जाखड़, शिल्पा स्वामी, रितेश चौहान, ललित कसेरा आदि कार्यकर्ता ने स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के राकेश किलानिया, CBEO अशोक पारिक, ACBEO बाबूलाल शर्मा, उमरदीन सैयद, बशीर खोकर, अनिल चिराणिया, पार्षद अशोक मेहरा, भगवती सांडेला, गौरीशंकर माहिज, खेताराम सांडेला, मालाराम, जितेंद्र राजवी, जितेंद्र शर्मा, विकास पारिक, शिव भगवान भाकर, हरी राम सिला, रामलाल, मुकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संचालन आसाराम व गणपतराव बीरठ ने किया।